में असलाम मेरा नाम अमीर है और आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्मार्ट टी वी का रिव्यू लाया हूँ आई बिलीव ये मेरा तीसरा स्मार्ट टी वी है जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ मेरे सारे जितने भी आज तक किए हैं सारे टी सी एल के टीवीज रहे हैं सबसे पहले मैंने टी सी एल का सी एट रिव्यू किया था जो कि फोर के एंड्रॉयड टी वी था उसके बाद था सी एट वन फाइव का रिव्यू जो कि एक क्यू एल ई डी फोर के एंड्रॉयड टी वी था और ये है टी सी एल सी ए टू फाइव जो कि एक मिनी एल ई डी फोर के एंड्रॉयड टीवी है जिसे पाकिस्तान में दो दिन पहले फर्स्ट जुलाई दो हजार इक्कीस को लॉन्च किया गया है इस वक्त प्री ऑर्डर्स चल रहे हैं और साथ में एक डिस्काउंट भी है अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं तो ये टीवी दो साइज में पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है तो टी सी एल सी ए टू फाइव के पचपन इंच वाले मॉडल की रिटेल प्राइस दो लाख उनसठ हजार नौ सौ है लेकिन यह इस वक्त प्री ऑर्डर्स पे दस परसेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है यानी कि प्राइस दो लाख तैंतीस हजार नौ सौ हो जाती है बेसिकली दो लाख चौंतीस हजार जबकि इससे बड़ा पैंसठ इंच वाला वेरिएंट, जो कि हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद है इसकी रिटेल प्राइस तीन लाख उनचास हजार नौ सौ बेसिकली साढ़े तीन लाख रुपए है जबकि सेल प्राइस तीन लाख चौदह हजार नौ सौ तीन लाख पंद्रह हजार है अब इस टीवी के अंदर बहुत सारे फीचर्स डाले गए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी आज की वीडियो में सारे फीचर्स पर बात करूं लेकिन इसका जो सबसे मेन फीचर है और इस टीवी के नाम में आपने पढ़ लिया होगा वो है मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी और ये एक ब्रांड न्यू डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो कि इस वक्त के लेटेस्ट लैपटॉप्स और टैबलेट्स में आप देख रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते आप इसको मार्केट में आते देखेंगे इसके साथ साथ इस टीवी में क्यू एल टेक्नोलॉजी भी है हंड्रेड एंड ट्वेंटी का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मैं टीसीएल के टीवी काफी अरसे से कवर कर रहा हूं तो मैं खुद के भी कुछ ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में लेकिन वीडियो में अगर बात को शुरू करें टीसीएल के ब्रांड से क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ब्रांड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो अब हम टीसीएल के ब्रांड के बारे में काफी कुछ जानते हैं दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टीवी ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू और पाकिस्तान में नंबर वन पे है अब इस वक्त हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दौर में रह रहे हैं और अब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और ये टी सी एल सी एड टू फाइव भी बहुत ही स्मार्ट है क्योंकि ये एक एंड्रॉयड टी वी है यानी कि इसमें एंड्रॉयड आर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप इसमें वैसे ही ऐप्स और गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे अपने फ़ोन में और ये टी वी आपके दूसरे स्मार्ट प्रोडक्ट्स के साथ इंटीग्रेट भी हो जाता है इस टी वी को इस्तेमाल करते हुए जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो थी स्पीड क्योंकि यहाँ कोर के बजाय एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर लगाया गया है जिसकी वजह से ये सी एट टू फाइव पिछले टी सी एल टी वी के मुकाबले में मुझे ज्यादा तेज लगा टीवी ऑन ज्यादा तेज होता है एप ज्यादा तेज लोड होती हैं और ओवरऑल ये मुझे काफी स्नैपी महसूस हो रहा था अगर बात करें डिजाइन की तो टी सी एल सी एट टू फाइव का ये सिक्सटी फाइव इंच वेरियंट साइज में बहुत ही बड़ा है और यहाँ डिमेंशन तकरीबन वही हैं जो सी एट वन फाइव के थे यानी कि सत्तावन इंच चौड़ा और पैंतीस इंच लंबा लेकिन फिर भी इस टीवी की ओवरऑल फील और इसका लुक बहुत ही स्लीक और स्लिम है इसके टॉप और साइड बेजल बहुत ही पतले हैं जबकि बॉटम बेजल थोड़ा सा चौड़ा रखा गया है प्रॉब्लली ताकि उस पर टी का छोटा सा ये लोगो फिट हो सके टीवी को माउंट करने के दो तरीके हैं या तो आप वॉल ब्रैकेट्स के साथ इसे वॉल माउंट कर सकते हैं या फिर इसके बॉक्स के अंदर ही आपको ये बेस साथ मिलता है जिसे आप इसको अटैच करके अपने टीवी कॉन्सोल पर रख सकते हैं जैसा हमने यहाँ रखा है टीवी के साथ ये रिमोट आता है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अगर बात करें पोर्ट्स और इनपुट्स की तो यहाँ यू एस बी लैंड केबल ऑडियो और हेडफोन जैक्स के साथ साथ मिलता है एक ऑप्टिकल ऑडियो आउट का पोर्ट जो कि एक्सटर्नल सराउंड साउंड डिवाइसेस के साथ बहुत काम आता है और साथ में है चार एच डी एम आई पोर्ट्स जिनमें से दो सिक्सटी हर्ट्स इनपुट सपोर्ट करते हैं और दो वन हंड्रेड ट्वेंटी वो लोग जो इस टीवी पे PS5 चलाना चाहते हैं के साथ, उनको बताता चलूं एच डी एम आई टू पॉइंट वन सपोर्ट करता है एस टीवी पे फुल पे चल रही थी अगर बात करें कुछ और डिस्प्ले स्पेक्स की रेजोल्यूशन यू एच डी फुलर्टी एट फोर्टी बाई ट्वेंटी है इस पैनल में तकरीबन 8.3 मिलियन पिक्सल्स हैं तो बात करेंगे कि आखिर ये मिनी टेक्नोलॉजी होती क्या है तो इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि टीवी कैसे काम करते हैं अमूमन टीवी में आगे वाली तरफ एक एलसीडी होती है जिसके पीछे बैकलाइट बैकलाइट के लिए एक पैनल होता है जब एलईडी आए तो हमने देखा कि इस बैकलाइट को एलईडी के जरिए बनाया जाता था जो कि ज्यादा ब्राइट भी हो जाती थी और ज्यादा पावर एफिशियंट भी थी और इनका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इन एलईडी को इंडिविजुअली ऑन या ऑफ किया जा सकता है जिसकी वजह से हमने देखा कि टीवी के कलर्स बेहतर हुए और इनके ब्लैक लेवल्स बेहतर हुए किसी भी डिस्प्ले के लिए उसके कलर्स की पंचीनेस और ब्लैक की डेप्थ दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं उस डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी के लिए यही वजह है कि इस वक्त प्रीमियम और फ्लैगशिप फोन्स में एमुलेट डिस्प्ले ज्यादा सुपीरियर माने जाते हैं और अब मिनी एलईडीज़ की वजह से हमें ज्यादा ब्राइट कलर्स मिलते हैं और यहाँ मिनी से मुराद है 0.2 पॉइंट mm टू मिलीमीटर से भी छोटे एलईडी ई डी बल्ब और इन एलईडी ई डी को बहुत प्रिसाइसली ऑन या ऑफ किया जा सकता है जिसे फुल एरे लोकल डिमिंग भी कहा जाता है जो कि इस टी की एक और खास बात है यानी कि इस इमेज के किसी भी हिस्से को बहुत ही प्रिसाइसली कंट्रोल किया जा सकता है तो जहां आप कलर्स और लाइट्स देख रहे हैं वहां के एलईडी इ बल्ब ऑन हैं, जहां आप ब्लैक देख रहे हैं वहां के एलईडी बल्ब ऑफ है आसान अल्फाज में इसका मतलब है बेहतर और डीपर ब्लैक्स ज्यादा पंची कलर्स ज्यादा बेहतर कॉन्ट्रास्ट और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले और ये फर्क आपको महसूस होगा खासकर जब आप एक मिनी एल और एक नॉर्मल एल टीवी को साइड बाई साइड देखेंगे तो आप बता सकेंगे कि किसके कलर्स ज्यादा बेहतर लग रहे हैं आपको ओवरऑल इमेज किसकी ज्यादा बेहतर महसूस हो रही है फिर टीसीव में क्यू एलई डी टेक्नोलॉजी भी है जिसमें बहुत ही छोटे नैनो पार्टिकल्स जिन्हें क्वांटम डॉट्स कहा जाता है इन्हें इस्तेमाल करके ब्राइटनेस और कलर्स को मजीद बेहतर बनाया जाता है मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा ओवरली टेक्निकल बनाने के लिए माजर चाहता हूं लेकिन आखिरकार हम हैं एक टेक चैनल तो यहाँ थोड़ी टेक्नोलॉजी की भी बात करना जरूरी है लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सी एट टू फाइव इस वक्त आपको प्रीटी मच बेस्ट इन क्लास इमेज क्वालिटी दे रहा है इसके साथ साथ इस टीवी में एम ई एम सी भी डाला गया है जो कि मोशन मोशन एनहांसमेंट और कंट्रोल का एक एल्गोरिदम है जो कि टीसीएल ने खुद डेवलप किया है और जो भी मूवी या वीडियो आप अपने टीवी पे देख रहे होंगे ये एल्गोरिदम उसको थोड़ा ज्यादा स्मूथ बना देता है और इस सी की अच्छी बात यह है कि आप इस स्मूथिंग को सेटिंग्स में अब ऑफ कर सकते हैं माजी में इसे पूरी तरह ऑफ नहीं किया जा सकता था फिर यहाँ एच डी और डोलबी विजन टेक्नोलॉजी भी है जिसका मतलब है कि ये टीवी डोलबी विजन वाली मूवीज और कॉन्टेंट सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स पे काफी सारी मूवीज हैं डॉल्बी विजन में और उन मूवीज में ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह टीवी सही तरह डिस्प्ले करेगा अभी एच डी टेन प्लस और डॉल्बी विजन तो हमने पिछले टीसीएल के टीवीज में भी देखा है लेकिन इस सी एट टू फाइव की खास बात है कि यहाँ आपको आई की सर्टिफिकेशन मिल रही है जो लोग नहीं जानते आई बेसिकली एक सिनेमा टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत बड़ी स्क्रीन पे मूवीज दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है और मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़ी स्क्रीन नॉर्मल सिनेमा स्क्रीन से ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे और ये सी भी अब आई की तरफ से सर्टिफाइड है लेकिन एक अच्छे टीवी का जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ वीडियो क्वालिटी पे बेस नहीं होता और एक टीवी के ऑडियो एक्सपीरियंस का भी बहुत ही बड़ा किरदार होता है तो यहाँ नीचे वाली तरफ ऑनक्यो का बिल्ट इन साउंड बार दिया गया है जिसमें दो पंद्रह वॉट के लेफ्ट और राइट स्पीकर हैं जबकि बैक पे बेस के लिए एक बिल्ट इन सब है और इस टीवी में 20 वॉट की जगह अब एक ज्यादा बीफियर 30 वॉट का सब डाला गया है और बाय द वे वो लोग जो नहीं जानते ऑनक्यो एक प्रीमियम जापानीज ऑडियो ब्रांड है ये कार स्टेडियोज भी बनाते हैं और पाइनियर को भी ओन करते हैं अगर आप कार स्टेडियोज में दिलचस्पी रखते हैं तो पाइनियर का नाम यकीन आपने सुना होगा काफ़ी लोगों ने ओंकियो का नाम नहीं सुना होता इसलिए बता रहा हूं कि ये कोई ऐसा वैसा ब्रांड नहीं है काफी जबरदस्त ब्रांड कंसिडर किया जाता है और इस साउंड बार का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको इस टीवी के साथ अलग से स्पीकर नहीं खरीदने पड़ते मूमन इतने बड़े टीवी के साथ एक्सटर्नल स्पीकर नागुजीर होते हैं लेकिन टी बार की वजह से ऑडियो एक्सपीरियंस राइड आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही जबरदस्त होता है और अगर आप इस टीवी को एक मीडियम या बड़े साइज के लाउंज में भी रखेंगे तो भी मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों को एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस टीवी में डॉल्बी एटमोस भी दिया गया है जो कि बेसिकली आपकी ऑडियो को एक थ्री सराउंड साउंड किस्म का इफेक्ट देता है अब जाहिर है कि एक टू पॉइंट वन साउंड बार और सिस्टम से डॉल्बी एटमोस का इंपैक्ट थोड़ा लिमिटेड aje But... लेकिन इससे भी टीवी की ऑडियो काफ़ी बेहतर हो जाती है और स्पीर्स काफी लाउड भी हो जाते हैं मुझे कभी भी पचास फीसद से ऊपर वॉल्यूम ले जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और मुझे नहीं लगता कि मेरा स्टूडियो हैंडल कर पाता बहुत ज्यादा लाउड हो जाता और इन स्पीकर और स्व ओवर का जो कॉम्बिनेशन है काफी रिच और डिटेल किस्म के आपको साउंड देता है मैंने अब तक जितने टीवी दूसरे ब्रांड्स के देखे हैं उनमें इतनी रिच ऑडियो अमूमन नहीं होती है अब अगर कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करें तो एक तो है इस टीवी के अंदर बिल्ट इन माइक जिसका स्विच या टीवी के पीछे आपको मिल जाता है आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं वॉइस कमांड्स के लिए साथ में रिमोट में भी एक माइक है इसकी हम खास बात देखेंगे अभी आगे जाके लेकिन कहने का मकसद यह है कि ये टीवी वॉइस कमांड्स सपोर्ट करता है लेकिन इस टीवी के अंदर एक और एडिशनल फीचर दिया गया है और यकीनन आपने वीडियो के इंट्रो में देख ही लिया होगा और वो है ये कैमरा तो ये कैमरा इस टीवी के साथ ही आता है और यहाँ ऊपर अटैच हो जाता है अंदर मैग्नेट्स हैं तो ये कैमरा खुद अपनी जगह पे सॉलिडली लग जाता है तो इस कैमरा के जरिए आप इस टीवी को जेस्टर से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन जो सोने पर सुहागा सो है वो ये है कि आप इस टीवी में वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं गूगल डुओ की ऐप है जो सपोर्टेड है मैंने डाउनलोड की है और मैं इससे कॉल्स कर रहा था और अच्छी बात यह है कि जैसा कि आपको पहले बताया रिमोट के अंदर ही एक माइक है तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपकी ऑडियो काफ़ी क्लियर होती है और जिस किस्म के पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहाँ वीडियो कॉलिंग और वर्क फ्रॉम होम इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है वहां यह फीचर मेरे हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है और इसके अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है खासकर अगर जूम और स्काइप जैसी या टीसीएल के टीवी आने शुरू हो जाए तो कैमरा के रेजोल्यूशन और क्वालिटी को तो मैं कहूंगा इतनी अच्छी नहीं है आई I मीन mean, इतनी बड़ी स्क्रीन पर अगर एक वेब होगा तो कितनी क्वालिटी दे देगा और मेरे जैसे टेक एंथुजियस की वैसे ही कैमरा की रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती है लेकिन नॉर्मल एवरीडे एवरेज किस्म के यूजर्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल फीचर है मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ कि बहुत सारी ऑफिसेज और कॉन्फ्रेंस रूम्स और इवन लिविंग रूम्स में जहां आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इन टच रहना है उनके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त फीचर हो सकता है तो आई रियली होप के इस फीचर को टी और भी मार्केट करे और अपने बाकी सारे टीवी में भी डाले तो आखिर बात करते हैं कि TCL टू के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इन शॉर्ट मेरा एक्सपीरियंस टीवी के साथ काफी अच्छा रहा है और यही चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था खासकर एक साढ़े तीन लाख रुपए के टीवी के साथ एक बहुत ही प्रीमियम प्राइस पॉइंट है यहाँ पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट और मेरे हिसाब से टी -से ने काफ़ी हद तक आपको ये डिलीवर किया है ना सिर्फ इसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है मिनी एल ई डी क्यू एल ई डी आई मैक्स आई मीन बिल्कुल स्टैक्ट किस्म की इसकी डिस्प्ले और इमेज क्वालिटी की स्पैकशीट है साथ ही साथ ऑडियो के डिपार्टमेंट में भी आपको एक साउंड बार मिलता है सब ऑफर मिलता है डे वन पे ही आपको स्पीकर्स खरीदने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अनलेस आप कोई ऑडियो फाइल है और आपको बहुत ज़बरदस्त

Allah Hafiz.